हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये नादौन के पास बन रहा है। नादौन की जो मेन मार्केट है वो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है सामने। और ये फ्लाईओवर, ये जो रास्ता बन के आ रहा है, ये आ रहा है ज्वाला जी की साइड से। और मैं अभी आपको रास्ता दिखाऊँगा जो 4 लेन की कंस्ट्रक्शन हो रही है नादौन से हमीरपुर की। और ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, अभी हिमाचल में जो बारिश है वो कम हो रही है, इसलिए काम जो है वो अभी चला हुआ है। और लगभग ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा मे बी अगले साल तक, क्योंकि अभी बहुत काम बचा हुआ है इसका और पीछे से अभी मशीनें लगी हुई हैं काम करने। तो अभी मैं यहीं से कट मारूंगा और आपको इस रोड की अपडेट देते हैं, नादौन हमीरपुर 4 लेन रोड की अपडेट। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको आज इस रोड पर। फिलहाल तो आगे रास्ता बंद है पता नहीं यार रोड अभी आगे खुला भी होगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। क्यों आकाश शर्मा, ओह नो, आगे से तो पूरा रोड बंद है और हम गलत साइड आ गए हैं। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा वापस मे बी शायद। जाने के लिए रास्ता होगा कि नहीं होगा, नहीं आ रहा तो आगे काम चला हुआ है तो हमें घूम कर जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, आपको दिखाऊंगा ये रास्ता कहाँ जाके मिल रहा है। तो जो मैं घूम कर आया हूँ अभी, और सामने आप देख सकते हैं ये रोड वही है जहाँ से मैं चला गया था वापस, क्योंकि आगे काम चला हुआ है और यहीं से ये रोड बनकर तैयार हो रहा है अभी। और इसकी आप विड्थ देख सकते हैं, और इस रोड को 2 लेन के बराबर किया गया है। आप देख सकते हैं इस रोड की विड्थ कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी उन्होंने यहाँ की विड्थ बढ़ाई है। जो पुराना रोड था उससे कंपेरिजन किया जाए तो ये रोड थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन 4 लेन तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि रोड इतना अभी इन्होंने शायद या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे और अभी। और ये जो रास्ता पुराने वाला है यहीं आकर मिल जाएगा और यहीं से हम चलेंगे हमीरपुर के लिए। ये है गुदाल जहां पर विश्वविद्यालय है नादौन का, गवर्नमेंट सिद्धार्थ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुदाल। और यहां पर जो घर है वो लगभग तोड़ दिए गए हैं सारे, और कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत ज़ोरों से चला हुआ है यहाँ पर। और कुछ रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर भी दिया है और कुछ अभी बचा हुआ है। और आई थिंक यहाँ पर शायद टोल प्लाजा भी बन रहा है मेरे हिसाब से। तो ये आप लेफ्ट में देख सकते हैं, तो जो गगाल के पास रोड है वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हमें चलना पड़ेगा थोड़ा संभल कर। और धूल मिट्टी आप इस रोड पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, पूरा शरीर जो पूरी बॉडी है वो मिट्टी के साथ नहा जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए मैं पुराने कपड़े डाल कर जा रहा हूँ ये है गगाल। गगाल का रोड अभी बनेगा, यहाँ से रोड के विड्थ इन्होंने बढ़ाई है। यहाँ से जो पीछे वाला रोड था वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रोड है ये इसकी थोड़ी विड्थ मेरे को ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो पीछे था। अब देख सकते हैं आप, इन्होंने जो इस रोड की खुदाई की है वो साइड साइड से काफ़ी करी है। रोड चला गया यहाँ से सुजानपुर के लिए और एक रोड चला गया मंडी हमीरपुर के लिए। मैं जाऊँगा हमीरपुर वाले रोड पे और ये चला गया सुजानपुर वाले रोड के लिए। हमीरपुर का ये रोड अभी इसको काफ़ी टाइम लगेगा बनने के लिए। तो जो सड़क से जलाड़ी तक का रोड था वो सारा सेम या पुराने वाला रोड, उसमें कोई ना ही ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं
लेकिन जलाड़ी, अभी मैं जलाड़ी पहुँच चुका हूँ। जलाड़ी से आगे आप देख सकते हैं ये रोड चला गया बड़ा के लिए, फतेहपुर बाया, ये भी रंगस जाके मिलेगा। और ये आप रोड देख सकते हैं, यहाँ से इन्होंने इस रोड की विड्थ और बढ़ाई है। पीछे अगर कंपेयर करें उससे तो इन्होंने यहाँ की विड्थ जो है वो ज़्यादा रखी है रोड की। और ये रोड इन्होंने आधा तो बना दिया है, साइड से आई थिंक और बनेगा भी है। और जो भी इस रास्ते में पेड़ काटे थे वो सारे पेड़ों की लकड़ी जो है वो इस ग्राउंड में रखी हुई है। और ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, तो लास्ट तक आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है इस लकड़ियों के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी काटे गए हैं, लेकिन अगर आपको सुविधा चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन अगर ये पेड़ काटे गए हैं तो दोबारा भी गवर्नमेंट को और कुछ पब्लिक को ये पेड़ दोबारा लगाने चाहिए। तो जलाड़ी और भट्टा के बीच में हूँ मैं अभी, और यहाँ पर रोड का काम चला हुआ है और यहाँ पर चलना पड़ेगा मुझे काफ़ी स्लो, क्योंकि रास्ता कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। शुक्र है इस बार बारिश भी कम हो रही है, वरना ये काम बहुत ही स्लो चला हुआ होता। आप सामने मशीनें देख सकते हैं और साइड में इन्होंने ये दीवारें बना दी हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ में ही घर है, सड़क के साथ बिल्कुल घर है लोगों के, और जो कि पूरे मिट्टी के साथ नहा चुके हैं। साइड में ये दीवारें बनेंगी और अभी कुछ रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट होने को भी है साथ साथ में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ भट्टा, इस जगह का नाम है भट्टा, और ये एकदम स्ट्रेट रोड इन्होंने पूरा बना दिया है जो कि कंस्ट्रक्ट भी हो चुका है लगभग पूरा, पता टकरा सकते हैं। यहाँ से जो रोड है वो डाइवर्ट हो जाएगा, जब नया रोड बन जाएगा तो हम जाएंगे सीधे, लेकिन अभी जो हमें अपनाना पड़ेगा वो पुराना रोड ही अपनाना पड़ेगा, क्योंकि नए वाले रोड में अभी आगे जाके पुल बनेगा। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, आगे जाके ये रोड अभी कंस्ट्रक्ट होना है पूरा, और एक नया पुल भी बनना है इस साइड। तो ना अभी पुल बना है और ना अभी ये पूरा रोड, तो अभी हम पुराने वाले रोड से ही जाएंगे। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड कहाँ जा, तो ये रोड कहाँ जाके मिलेगा वो हम, वो मैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जहाँ से जो रोड डाइवर्ट हुआ वो यहाँ आकर मिला है बिल्कुल भूमपुल से थोड़ी दूर पीछे। और इस रोड की आप हालत देख सकते हैं, अभी यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। और जो पुराना रोड है वो अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो पुराने रोड से ही आ रही हैं, तो जो नए रोड है वो उसको बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। आप सामने देख सकते हैं और यहाँ पर भी लिखा है गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, तो धीरे गाड़ी चलाएँ। फिलहाल तो हम धीरे ही गाड़ी चला रहे हैं, सॉरी गर्ल्स माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, गाड़ी पे क्या मस्त लाइन लिखे है यार, सॉरी गर्ल्स माई वाइफ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, अरे कुछ यार। तो अभी हम जा रहे हैं भूमपल की ओर, और आप देख सकते हैं लोगों के घर है जो है वो ऊपर जाके टांग दिए हैं इन्होंने, और मिट्टी जो पूरी निकाल दी है नीचे से, तो लोगों के घर के लिए अब अलग से रास्ते बनेंगे यहाँ से। जैसे अगर ये आगे इस साइड गांव है तो इसके लिए अलग से सड़क बनेगी, और घर देख सकते हैं आप ऊपर जैसे टांग दी है, नीचे सारी मिट्टी इन्होंने निकाल दी है। और यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है पूरा, तो अभी यहाँ का भी नहीं हुआ है। और जो आसपास के घर थे लोगों के, वो तो सारे इन्होंने लगभग तोड़ दिए हैं, और सड़क का जो मेन जो सड़क थी वो सारी इन्होंने कवर कर ली है, तो इतनी ही सड़क बनेगी यहाँ पर भूमपल में। और भूमपल का जो एरिया है वो पूरा ही चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और ये रहा गुगा जाहरवीर जी का मंदिर, जय गुगा जाहरवीर जी। और ये है भूमपल का रोड, और ये आसपास की भूमपल की दुकानें। ये एरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो बड़े बड़े मोड़ थे वो इन्होंने सारे काट दिए हैं, और एकदम स्ट्रेट रोड बनाया है यहाँ से। अभी जो एक स्कूल है भूमपल का, वो भी अभी रोड के बीच में है, उसको भी उड़ाएंगे ये। तो जो पुराना रोड था वो ये था, तो ये रोड तो लगभग बंद हो चुका है, अभी सारी गाड़ियाँ आ जा यहीं से रही हैं। और ये सेकंड वाला रोड तो अभी बना भी नहीं है, ये भी बनेगा। बारिश अभी हिमाचल में कम हो रही है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चला हुआ है लगातार। अब यहाँ से रोड अभी बनेगा दोबारा, आई थिंक इन्होंने स्कूल की बिल्डिंग को रहने दिया है, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि ये स्कूल भी जाएगा, लेकिन अभी स्कूल की बिल्डिंग को तो इन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, तो शायद मे भी स्कूल को ना तोड़े, वरना शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। ये जगह है भूमपल,
अभी हम भूमपल वाले एरिए में ही हैं। पुरानी सड़क आप देख सकते हैं जहाँ पर ये गाड़ी चली हुई है, ये पुरानी सड़क है और हम अभी जा रहे हैं नई सड़क से। यहाँ पर आप आराम से स्पीड आ सकते हैं, मक्खनी की तरह जा सकते हैं, लेकिन हम अभी स्लो स्लो ही चलेंगे क्योंकि आपको सारा एरिया ये दिखाना है फेंक हुए हैं। अब यहाँ से फिर से रोड जो है वो डाइवर्ट होगा और यहाँ से तो ये अभी ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ये सारी कंस्ट्रक्शन अभी होगी तब जाके ये पूरा रोड जो है वो तैयार होगा बनकर और रोड जो है वो डाइवर्ट होगा। यहाँ से सीधा जाएंगे और ये जो मोड़ हैं बीच वाले ये सारे काट दिए जाएंगे, लेकिन अभी बीच में जो है वो मिट्टी मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा और वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, तो हमने भी यहाँ से ले लिया है लेफ़्ट। लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो यहाँ से ये लेफ़्ट वाला रोड हमें नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हम उसी रोड से जाएंगे। तो जो रोड डाइवर्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी एक नया पुल बनेगा जो कि अभी बन रहा है बीच में से, और वो रोड निकलेगा यहाँ आकर भूमपल से थोड़ी दूर थोड़ी आगे आके। और अभी हम मिल चुके हैं बिल्कुल पुराने रोड में, लेकिन जो पुराना रोड था वो ये साइड में था जो कि इन्होंने पूरा तोड़ दिया है, और ये मंदिर भी बिल्कुल पुराने रोड के साथ में था, लेकिन अभी इन्होंने मिट्टी जो है पूरी निकाल दी है यहाँ से, तो मंदिर भी हवा में, मतलब इन्होंने ऊपर रहने दिया है और मंदिर के लिए अलग से रास्ता बनेगा और ये सारी मिट्टी अभी निकाली जाएगी तब जाके ये रोड कंस्ट्रक्ट होगा अच्छे से। आप देख सकते हैं ये पूरी मिट्टी जो है इन्होंने निकाल दी है, जो इसके ऊपर घर हैं काफ़ी वो ऊपर जैसे रह गए हैं, इनके लिए अलग से रास्ते बनेंगे बीच में से। और आप देख सकते हैं सामने बोर्ड पे लिख रखा है ट्रैफिक डाइवर्जन। तो अभी ये जो छोटे छोटे मोड़ हैं ये भी यहाँ से निकाल दिए जाएंगे और जो रोड है वो निकलेगा वो सामने सीधा जाएगा। और फिलहाल हम जो है वो मोड़ काट के जाएंगे, लेकिन जब ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा तो हमें ये मोड़ नहीं काटने पड़ेंगे। अभी मैं दंगड़ी जो जगह है वहाँ पहुँचने वाला हूँ, दंगड़ी से पीछे कोई जगह है वहाँ पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ पर भी एक नया पुल बनेगा। अब तो हम नहीं देख सकते हैं, ये जब ये नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो ये सामने वाला जो घर है ये भी इसी रास्ते में है, ये भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी पीछे से सारी जगह जो वो साफ़ कर दी है और ये डायरेक्ट वहाँ निकलेगा आगे जाके। तो ये जो मोड़ है वो सारे मोड़ जो हैं वो काट दिए जाएंगे और एकदम स्ट्रेट नेशनल हाईवे बनेगा ज़बरदस्त वाला, यहाँ आकर ये रोड मिलेगा और पुराने रोड के साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा यहाँ आके। और आप सामने ये साथ में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इन्होंने पूरी मिट्टी निकाल दी है, तो इस रोड की भी मिट्टी निकलेगी जहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, इसी के बराबर किया जाएगा और ये एकदम स्ट्रेट वहाँ जाके निकलेगा। लेकिन मुझे फिर से घूम कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये रोड अभी नहीं बना है, काफ़ी टाइम लगेगा रोड को बनने के लिए। अभी मैं भी एक साल और रख के चले तो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा एक साल के बाद ये रोड, लेकिन एक साल इसको अभी लगेगा बनने में। जैसे कि मैं अभी घूम के जा रहा हूँ तो हमें जब ये रोड बन जाएगा तो इतना घूम कर हमें नहीं आना पड़ेगा और यहाँ आकर ये रोड मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम अभी ज़ोरों शोरों से चला हुआ है, मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये जाली जो है वो सड़क में बिछाई जा रही है और NHPC की गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पर भी एक नया पुल बनेगा, ये सारा इस जगह का नाम है चील बहल तक ये रोड जो है वो ऐसा ही रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊं तो चील बहल से ये रोड चला गया पुराने वाला हमीरपुर के लिए, और जो नया रोड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, डाइवर्ट हो जाएगा बिल्कुल यहाँ से। अब जो नया रोड है वो इस रोड के साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा आगे जाके कहीं भी। और मैं आपको अगर तो जो नया रोड है वो इस साइड से बनेगा और जो पुराने वाला रोड है वो ये चला गया हमीरपुर के लिए, और ये दोनों यहाँ पर आपस में मर्ज बिल्कुल नहीं होंगे आगे जाके कहीं भी, क्योंकि नया रोड कहीं और से बन रहा है और पुराने वाला रोड वाया रंगस होके हमीरपुर जाएगा। तो मेरा ब्लॉग फ़िलहाल यहाँ तक ही था, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही जब मिलूँगा आपके साथ अगले ब्लॉग में, शायद हमारे साइड बारिश भी आ रही है तो हल्की हल्की हो जाए, तो ख्याल रखिए तब तक आप अपना। मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, और हिमाचल स्वैग को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।